Hello everyone, my name is Lakhan Upadhyay and I welcome you all once again in my channel English Baba. आज के इस छोटे से वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक यूज़ जो कि है टेक और गिव के बारे में. टेक मीन्स होता है लेना एंड जी आई वी ई गिव का लिटरल मीनिंग है देना. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू वर्ड्स टुडे. अक्सर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आईएलटीएस 99% लोग इस यूज़ को गलत यूज़ करते हैं. कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आए और उसने कहा कि यार आज ऐसे ऐसे हमारे एक दोस्त का बर्थडे है और हमें पार्टी में चलना है, चलेगा तू? तो मैंने कहा उससे, नहीं यार आज मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं तो पेपर देने आगरा जा रहा हूँ, कोई मेरा टेस्ट है, कोई मेरा एग्ज़ाम है, कोई पेपर है, वॉट एवर. तो अगर मैं, लोग उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि मैं पेपर देने आगरा जा रहा हूँ? लोग इसे अक्सर ऐसे बोलते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, आई एम गोइंग टू गिव एन एग्ज़ाम. मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ. उन्हें क्या लगता है, क्योंकि वो जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो वो गिव लगा देते हैं. क्या लगाते हैं? गिव, विच इज़ रॉन्ग. अगर आप एक एप्लीकेंट हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एक टेस्ट देने जा रहे हो, हिंदी में बोलते हैं मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, इसका मतलब कोई और आपका टेस्ट लेगा, कोई आपका एग्ज़ाम लेगा. इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट यूज़ गिव, व्हाट यू विल यूज़, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्ज़ाम. देखो ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आप शुरू से गिव यूज़ करते आए हो और आपको लगेगा हम हिंदी में तो देना यूज़ कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में गिव की जगह हम टेक क्यों लगाएं. बट दिस इज़ द राइट यूज़, दैट इज़ व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस. दोबारा देखिए, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्ज़ाम, मैं क्या देने जा रहा हूँ, एक पेपर देने जा रहा हूँ. चलिए अब इसका दूसरा वर्जन देखते हैं. अब अगर सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे किसी बच्चे का टेस्ट लेना है, फिर से मेरे पास कोई फ़ोन आता है, मेरा दोस्त कहता है चल भाई पार्टी करेंगे आज. मैंने कहा नहीं यार मेरे बच्चे आ रहे होंगे, मुझे अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना है, मुझे उनका एक टेस्ट लेना है. तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? अब क्योंकि लेना आया है तो लेने के लिए आप क्या लगाते हो? टेक, है ना. तो आप सोच रहे होगे कि आई विल टेक देयर टेस्ट, मैं उनका टेस्ट लूँगा. आई विल टेक देयर टेस्ट, क्योंकि आप क्या, जैसे हिंदी में कर रहे थे देने की जगह गिव लगा रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है लेने की जगह आप टेक लगा दो, लेकिन दैट विल बी रॉन्ग. व्हाट विल बी द राइट इंग्लिश इज, आई विल गिव देम अ पेपर. अगर मैं एग्जामिनर हूँ, और मैं बच्चों को अगर टेस्ट दूंगा तो आई विल गिव देम अ पेपर. क्या मेरी बात क्लियर हुई, गिव और टेक वाली? फिर से मैं सम अप कर रहा हूँ, क्या मैंने बताया, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो, आई एम गोइंग टू, तो आप टेक लगाएंगे. क्या लगाएंगे? सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम. और अगर आप एक एग्जामिनर हो, इफ़ यू आर एन एग्जामिनर, और अगर आपको किसी दूसरे बच्चे का टेस्ट लेना है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप? गिव का यूज़ करेंगे. एक एज अ ट्रिक याद रख लीजिए, उल्टा यूज़ करेंगे. जब हिंदी में अगर देना आए तो गिव की जगह आप टेक लगाइए, और अगर वहाँ पे लेने वाली बात आ जाए, टेक वाली बात आ जाए, तो आप टेक नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गिव लगाएंगे. आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.